नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 90 हल्के 90 खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे, इस दौरान पंडित नेकीराम शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक में नवनिर्मित मैथ्स लैब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मौजूद विद्यार्थियों से भी सीएम ने संवाद किया। सीएम ने कहा कि जीवन के विकास में शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए जेजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बोहरा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। आगामी रणनीति तैयार करने के लिए नू के सर्किट हाउस में बैठक की गई। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है उसके अनुसार जिले के पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम लिए जाएंगे। कुरुक्षेत्र की मुख्य यूनिवर्सिटी से पीपली सड़क का मुद्दा अब गहरा हो गया है। शहर की बदहाल सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करवाने को लेकर INLG के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हवन यज्ञ किया। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। 7 साल से बदहाल लाइफलाइन सड़क पीपली थर्ड गेट का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। धर्मनगरी के लोग आए दिन सड़क के निर्माण को लेकर काफी परेशान हैं। इससे पहले कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुकी है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दोनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर की SR लैब में छापेमारी कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि इस लैब में फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है। रेड की भनक लगते ही लैब का मालिक मौके से फरार हो गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई। चीका में अग्रवाल धर्मशाला चीका में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष रतन सिंह मान ने की। बैठक को संबोधित करते हुए रतन सिंह ने बताया कि 12 फरवरी को जिला कैथल के कलायत में भारतीय सेना की एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें लाखों लोग सिर्फ शिरकत करेंगे। रतन सिंह ने बताया कि रैली में किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पहुंचने की भी बात कही है। पलवल में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती बॉर्डरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल और उपायुक्त कृष्ण कुमार ने यहां पर बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला पलवल में यूपी बॉर्डर से लगते 5 अंतर्राज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। शराब तस्करी को पूर्णतया रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने राज्य मंत्री कमलेश
आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि हम लंबे समय से अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। गढ़चिरादरी में आंगनवाड़ी वर्कर ने शहर भर में प्रदर्शन करते हुए बाड़ला विधायक नैना चौटाला के आवास पर घेरा किया। आंगनवाड़ी वर्कर ने दिग्विजय चौटाला के दादरी आगमन की सूचना पर विधायक के आवास का घेराव किया। आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। आंगनवाड़ी वर्कर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। आंगनवाड़ी वर्कर ने पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। गुरुग्राम में सदर बाजार में चोरों का आतंक देखने को मिला। दरअसल देर रात चोरों ने सदर बाजार में 5 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, जिसके बाद से व्यापारियों में रोष देखने को मिला। व्यापारियों ने पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानों का मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई। सियासी में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां खेतों में बिजली कनेक्शन ना दिए जाने से नाराज जिले के एक किसान ने पेवा चौक पर एक दिवसीय अर्धनग्न प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। किसान का कहना है कि पूरे प्रदेश में खेतों में 80,000 ट्यूबवेलों पर बिजली के कनेक्शन पेंडिंग है और बार बार गुहार के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुई हीरो अभिनेत्री मनमोहन दत्ता और बबीता जी ने खुद के खिलाफ शहर थाना में SC/ST अत्याचार एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर के समक्ष पेश किया। जांच अधिकारी ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। वहीं 4 घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी मनमोहन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुनमुन दत्ता ने बीते वर्ष 9 जनवरी को YouTube पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता रजत कलसन ने 13 मई 2021 को मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाने में SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। नादौर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात भी चोरों ने SK रोड पर BDPO ऑफिस के नजदीक एक इलेक्ट्रिकल की दुकान का शटर तोड़कर हजारों रुपए की तांबे की तारों समेत अन्य सामान पर हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। दुकानदार की माने तो स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से चोरों ने अंधेरे में घटना को अंजाम दिया। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव धनतौड़ी के पुल के नीचे एक 32 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार युवक की मौत के कारणों की स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस जांच अधिकारी के अनुसार पुलिस नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। बाजरा के चांदवास गांव के ग्रामीण फिर से लामबंद हुए और गांव में पंचायत हुई। पंचायत में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि गांव में 25 एकड़ में 35 गांव के लिए जन स्वास्थ्य विभाग वाटर टैंक बनवा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि टैंक नहीं बनने दिए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें खामियां हैं, प्रशासन ने कितनी भी कोशिश कर ले हम किसी सूरत में नहीं बनने देंगे।
रेवाड़ी में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी। बीते दो माह से ज्यादा समय से अपनी मुख्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी यूनियन की जिला प्रधान तारा देवी ने बताया कि 14 फरवरी को करनाल में उनका जोरदार प्रदर्शन रहेगा। करनाल में बात नहीं बनेगी तो करनाल में महापड़ाव भी हो सकता है। तारा देवी ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है जो ठीक नहीं है। अपनी मांगों के पूरा होने तक वो अपना धरना जारी रखेगी। लघु सचिवालय के सभागार में जिले के सभी ग्राम सचिवों और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। वहीं कुंडरी इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मांग की है कि जल्दी से जल्द हमें न्याय दिलाया जाए क्योंकि ये एक हत्या का मामला है। इस मौके पर एक समुदाय की ओर से पंचायत बुलाई गई जो कि अभी भी जारी है। जाखल गांव में देर रात जिम में चोरी हुई। चोरी के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने भी समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो मजबूरन बड़ा आंदोलन करना होगा। दिवाना इलाके में एक बार फिर गोली चली। बताया जा रहा है कि राकेश लगभग 42 वर्ष किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए और किसान को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर सूचना मिलते ही जीन पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिरजानिया जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि हमें फोन पर सूचना मिली थी कि खेत में काम करने गए हमारे लड़के राकेश को किसी ने गोली मार दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनकी पेमेंट ठेकेदार के माध्यम से देनी शुरू कर दी है जो उन्हें मंजूर है। बहादुरगढ़ के एनसीआर नहर में डूबे तीन युवकों के शव। गोताखोरों की मदद से मृतक युवकों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस को सूचना दी गई थी लेकिन पुलिस और प्रशासन ने समय पर गोताखोरों को नहीं बुलाया। रात से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी युवकों के परिजनों को दिलासा देते रहे और गोताखोरों के आने का अलग समय बताते रहे। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर मदद मिल जाती तो पानी में बहे तीनों युवक से कुशल समय पर उनको निकाला जा सकता था। अम्बाला शहर में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि आईओ खुद मौके पर जाएगा और वेरिफिकेशन करेगा। जितना भी पोस्टपार्ट बने हैं पासपोर्ट बने हैं वो उन्हें दोबारा से रिव्यू किए जा रहे हैं।
पलवल में ओनो थाना पुलिस ने गौरक्षा के सदस्यों के साथ मिलकर मथुरा की तरफ से मेवात की तरफ जा रहे गायों से भरे एक कंटेनर एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक और कंटेनर से 49 गायों को बरामद किया और पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गायों को संगेल की गौशाला में भेज दिया। जींद में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि वो एसपी से मिलने जा रही थी लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। परिजनों ने कहा कि जब तक पुलिस लड़की को ढूंढकर नहीं लाती यही धरने पर बैठे रहेंगे। लड़की के पिता ने कहा मरना मंजूर लेकिन वापस नहीं जाएंगे। परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने पहले ही धमकी दी थी उसके बाद लड़की का अपहरण किया। 6 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। एक दिन पहले एसपी ने परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। रेवाड़ी में पुलिस ने सपा सेंटर पर रेड की। आपको बता दें कि यहां पर स्पा सेंटर पर रेड किया। मौके से पुलिस ने 4 युवक और 10 युवतियों को गिरफ्तार किया। एसपी गुप्तचर विभाग की सूचना पर रेड की गई। रेड के दौरान गर्भ निरोधक और गोलियां बरामद की गई और डीएसपी की मौजूदगी में जांच की जा रही है। पंचकूला के पिंजौर में कुछ दिन पहले नाले में बोरी में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। इस मामले में पिंजौर पुलिस ने हत्या के आरोपी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 4 आरोपियों को पंचकूला के कालका कोर्ट में पेश किया गया और आरोपियों का रिमांड पर आरोपी को। जिनके उजाना में थाने में विवाद हुआ। सब इंस्पेक्टर राम मेहर और ग्रामीणों के बीच कहासुनी होने के बाद विवाद हुआ। सब इंस्पेक्टर की थाने में पिटाई की गई। एसएचओ को भी चोट मारी और वर्दी फाड़ दी गई। एसएचओ ने ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली। बोर्ड ने इसके लिए अब एनरोलमेंट की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस संदर्भ में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। कुरुक्षेत्र में ओटीपी पूछकर ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने ओटीपी पूछकर ठगी करने के आरोपी को नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। दादरी जन स्वास्थ्य विभाग ने कार्यरत सीवरमैन बकाया वेतन देने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर धरना देकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी का रोष जताया और उनकी मांगे जल्द पूरा करने की अपील। हड़ताल पर बैठे जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बीते 5 माह से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पलवल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की हड़ताल के 63वें दिन भी जारी। कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर विरोध जताया।
कार्यकर्ता ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्रित हुए और सभी की सभा के बाद विधायक दीपक मंगला के निवास तक जुलूस निकालकर घेरा किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान उर्मिला रावत ने की, जबकि संचालन उप प्रधान कमला ने किया। लाल 90 हल्के 90 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।